वैसे अगर किसी का राम नहीं लग गया तो फिर पैसे वापिस। अगर पैसे वापिस बिल्कुल सर, ये मेरा दावा है कि अगर आप ये दवाई लेके गए हैं, आपको 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आया, दवाई यहाँ रखो, अपनी पेमेंट वापिस ले लो। 3 से 4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है, ये हमारी गारंटी होती है। अगर ना आए दवाई वापिस, पैसे वापिस की मेरी गारंटी होती है। और इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट होते हैं, 60 से 75 दिन में गारंटीड इंसुलिन बंद करवा देते हैं। हजारों की संख्या में पेशेंट यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं, उनके नंबर, नाम, पते हमारे पास सब कुछ है, आप किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो। जो सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत को था, फिलहाल कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र में आपने दिखाना चाहूँ ब्रह्म सरोवर का जो मैन गेट है, मैन गेट के पास में है और आयुर्वेदिक सेवा केंद्र पर पहुंच गया। शुगर का नगो 3 दिन में जमा इलाज है, जड़ तक खत्म बता रहे हैं, लेकिन जड़ तक तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल हो अगर बातचीत करें वायद जीत है, 3 दिन में इलाज नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ तो दवाई फेंक जाओ, पैसे वापस ले जाओ, इस तरह के दावे करे जान लग रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े डिग्री धारक भी बैठे हैं, वह भी नहीं इस तरह की बात करते, लेकिन जो वैद्य जी है वैद्य जी कह रहे हैं। और आपने दिखाने चाहूँ पेशेंट है, बहुत दूर दूर तक पेशेंट पहुँच रहे हैं, इनसे बातचीत करें, कड़ा कड़ा था यार किस तरह पहुँचे हैं, तो वैद्य जी से बातचीत कराएंगे किस तरह इलाज करें, क्योंकि दावा कर जान लग रहा है कि 3 दिन में, मात्र 3 से 4 दिन में नॉर्मल कर जाएंगे। वाजी राम 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 जी राम राम। वाजी नू सुनिया जमा दावा करे 3 से 4 दिन में नॉर्मल कर दिया शुगर ने, क्योंकि बड़े बड़े डिग्री धारक भी बैठे हैं, वो भी निकलते हैं बात। तो सर ऐसा है, जो टैबलेट डिपेंडेंट पेशेंट है उसका 3 से 4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है, ये हमारी गारंटी होती है। अगर ना आए दवाई वापिस, पैसे वापिस की मेरी गारंटी होती है। और इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट होते हैं, 60 से 75 दिन में गारंटीड इंसुलिन बंद करवा देते हैं। मतलब पूर्ण इलाज किस तरह होगा, कितना लेवल हो नहीं, मतलब शुगर का 200 300 400, कितने दिन में ठीक हो? ऐसा है देखो, लेवल तो अलग अलग है। एक मेन जो टेस्ट होता है HbA1c, HbA1c पिछले 90 दिन से लेके आज तक हर समय परमानेंट दिन रात कितना शुगर लेवल है वो ग्राफ बताता है, एक एवरेज बताता है। हमारी गारंटी होती है लैब आपकी, डॉक्टर आपका, ब्लड आपका, आप कहीं भी चेक करवाओ, HbA1c आपकी रिपोर्ट बोलेगी आप नॉन डायबिटिक आ चुके हो, तो वहां तक की हम गारंटी लेते हैं। कितना पेशेंट ठीक हो लिए भाई जी, कितना का मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से? आप हजारों की संख्या में पेशेंट यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं, उनके नंबर, नाम, पते हमारे पास सब कुछ है, आप किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो। जो यहाँ से दवाई लेके जा चुके हैं और नॉन डायबिटिक होने के बाद कभी भी कोई और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, मतलब आगे दिक्कत नहीं बनेगी फिर ऐड की दवाई खाने। खान पान हर व्यवहार तो आप स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, जो चीजें एक स्वस्थ आदमी के नुकसानदायक हमारे को शुगर कर बना सकती है, एक डायबिटिक पेशेंट बना सकती है, तो डायबिटिक पेशेंट को तो वैसे दोबारा अटैक हो जाता है। खान पान आहार विहार तो कंट्रोल करना जरूरी है, उसके अलावा कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। देखो वैजी जो वीडियो देखने लाए रहनी, मतलब वो कैश का किसी का एड्रेस दे दो, किसी का मोबाइल नंबर दे सको आप? ऐसा है सर, वो पहले हम पेशेंट उससे पेशेंट से पूछ के भाई आपका कोई नंबर दे दें, तो उस हिसाब से ही दे सकते हैं। हाँ पहले भी दिए थे, एक दो ने मांगे हैं, तो फिर पेशेंट कह देते हैं सर बार बार परेशान करते हैं लोग, ये करते हैं। आप लोग यहाँ आओ, पेशेंट बैठे हैं और भी बैठे हैं, इनसे पूछो, पता करो, जो पेशेंट दवाई लेने के लिए आए आपको आराम है नहीं है तो पेशेंट अपने आप ही बता देते हैं सर, हमारी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। किस किस जगह से पहुंचा है भाई जी सर? कहीं भी हो, कोई यहाँ आने में असमर्थ है तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, नहीं तो हमारे हरियाणा के अंदर 3 क्लिनिक है, कैथल हमारा हेड ऑफिस है, कुरुक्षेत्र ये यहाँ का ऑफिस है, एक पंचकुला हमारा ऑफिस है सेक्टर 19 में, तो 3 जगह हरियाणा के अंदर, जो भी किसी को नजदीक पड़े कहीं से भी दवा ले जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहो, काफी दूर बैठे हो कोई, अगर कोई यहाँ आने में असमर्थ है या हरियाणा में आने में ही असमर्थ है, तो वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास है, पेमेंट भी उन्होंने कोरियर वाले को ही देनी है, लेकिन बुकिंग चार्ज हम जरूर मंगवाते हैं ताकि हमारे साथ कोई मजाक ना करे, हम 500 रुपए बुकिंग चार्ज लेते हैं, बाकी पेमेंट कोरियर वाले को देनी होती है। वह जी बात करा, देखो डिग्री वाले बैठे हैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे हैं, तो उन वह भी नहीं करते दावा कि 3 दिन में इलाज कर देंगे, आप क्यों करें? सर इलाज नहीं बोला मैंने, खत्म नहीं होता शुगर लेवल, खत्म नहीं होता, नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल लेवल हाई लेवल है, जैसे 500 है, 700 है, 600 है, तो वो नॉर्मल पे आ जाता है, 3 से 4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा कोर्स चलेगा। तो HbA1c के अंदर नॉन डायबिटिक करने के लिए हम वही 120 दिन से 150 दिन का टाइम मांगते हैं। वैसे अगर किसी का राम नहीं लग गया तो फिर पैसे वापिस? अगर पैसे वापिस बिल्कुल सर, ये मेरा दावा है कि अगर आप ये दवाई लेके गए हैं, आपको 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आया, दवाई यहाँ रखो, अपनी पेमेंट वापिस ले लो, कोई भी नहीं इतने बड़ी बात बोलते। कौन सी दवाई है एक बार दिखाओगे? ये सर हमारे पास नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, बेलगिरी, कलौंजी का एक मिश्रण है, गिलोय, सतव, सप्तरंगी, गुड़मार, विजयसार, सर्वगंधा का एक मिश्रण है,
दोनों मिश्रण को 3-3 ग्राम की मात्रा में लेना होता है सुबह शाम खाली पेट। कुछ हमारे फिर एज फॉलो करने होते हैं, वो करो, खान पान आहार विहार का कंट्रोल करो तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। और पेशेंट भी पहुंचे हैं जी, कर लिया बातचीत। तो पहली बार ही आए हैं, फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आया? रोहतक से, हरियाणा से। इतनी दूर से किस तरह पता लगा? बस फेसबुक पे रील्स के माध्यम से हमें पता लगा था कि वैद्य जी जो हैं वो शुगर की दवाई दे रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ आज कुरुक्षेत्र पहुँचे। अच्छा, देखो और भी आपके आसपास भी हो गए, रोहतक में भी हो गए, मतलब देसी वैद्य जो शुगर की दवाई आपने लेके देखी होगी, लग गया कुछ आराम? नहीं, वहाँ से हमें आराम नहीं लगा। अच्छा। मतलब आज वैद्य जी के पास सुनकर ही आए हैं कि भाई इनकी दवाई जो है, अभी वहाँ अंग्रेजी इलाज चल रहा था इनका, तो उसके अंदर तो अभी कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था इसे बच्चे को, ये छोटे बच्चे को, ये हमारे तो ये अभी 18 साल का ही है और इसकी एकदम से निकल गया ये, पिछले 5-7 दिन में हमें अचानक पता लगा जब इसकी शुगर लेवल काफ़ी हाई चल रहा था। तो वैद्य जी तो बातचीत करी और जो पेशेंट है इनसे बातचीत करी, वैद्य जी का दावा है कि अगर आराम नहीं लगे, थोड़ा हाँ भी आराम नहीं लगे, मेरी दवाई दे जो और पैसे वापस ले जो, इस तरह का जो मतलब दावा कोई नहीं करता, क्योंकि बहुत से वैद्य भी हैं, देसी भी हैं, डॉक्टर भी बैठे हुए भी निकलते कि हमें दावा करा है भाई मतलब नॉर्मल आ जाएगी। तो आपने वैद्य जी की बात पर किसक के आपकी प्रतिक्रिया देनी है और जो इलाज है और जो इलाज चले, अगर कोई उल्टा दवाई लेकर गया है किसी का आराम नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, हमारा भी नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके बताए इसको, क्योंकि वैद्य जी ने दावा कर रखा कि मेरा कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जिसका आराम नहीं लगा। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।